हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस के बारे में बात की थी। उसके लिए जो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब जो दूसरा मेथड मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मेथड भी ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। तो इस मेथड में हम एक रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम सबसे पहले उन स्टेप्स की बात करेंगे। अब इस प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो इस तरह से हैं। पहला स्टेप है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स अबव देयर सिंबल्स इन द स्केलेटल इक्वेशन। जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा था, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट और ईच एटम अबव दियर सिंबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द स्पीशीज विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मीन्स जिन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और जिनका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अगले स्टेप में हम इस इक्वेशन को, मतलब रिडॉक्स इक्वेशन को, स्प्लिट करेंगे इनटू टू हाफ रिएक्शंस, और वो हाफ रिएक्शंस होंगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास अब दो हाफ रिएक्शंस हैं। अब हम इन हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करेंगे, और इन्हें बैलेंस करने के लिए हम वही स्टेप्स यूज करेंगे जो स्टेप्स हमने प्रीवियस मेथड में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यूज की थी। नाउ व्हाइल बैलेंसिंग ईच हाफ रिएक्शन, हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं टू विच एवर साइड इन ऑर्डर टू मेक आउट फॉर द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर देखना है ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना है। हमने जितना डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं टू विच एवर साइड, दैट विल बी सीन अकॉर्डिंग टू कि जो इक्वेशन है वो कौन सी है, क्या वो ऑक्सीडेशन हाफ है या फिर रिडक्शन हाफ है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मींस ऑन द प्रोडक्ट साइड, और जो रिडक्शन हाफ होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर लेंगे। जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखा, बैलेंसिंग हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एज यू नो दे आर बैलेंस्ड इन द एंड, और उन्हें बैलेंस करने के लिए जो रूल्स हमने पढ़े थे इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, वही रूल्स या वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे जैसा हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा था। अब जब हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ रिएक्शंस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इक्वल है फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ दे आर नॉट इक्वल तो हमने क्या करना है, हमने उन दोनों को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करना है, बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस विद सूटेबल नंबर्स। जैसे मान लीजिए अगर
एक हाफ रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे हाफ रिएक्शन में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू हाफ रिएक्शंस इज इक्वल। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उन दो हाफ रिएक्शंस को अब ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद वी विल गेट द बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। अब ये सारे स्टेप्स हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है विच इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। जैसे कि हमें एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस से पता चल रहा है कि ये एसिडिक मीडियम में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स, ऑक्सीजन का माइनस टू, एफ ई टू पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू, एच पॉजिटिव में प्लस वन, क्रोमियम थ्री पॉजिटिव में प्लस थ्री, एफ ई थ्री पॉजिटिव में प्लस थ्री, और वाटर में हम जानते हैं प्लस वन एंड माइनस टू। नाउ हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। सो वी कैन सी दैट क्रोमियम इज अंडरगोइंग रिडक्शन बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है आयरन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब हमने पहचान लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नाउ वी विल स्प्लिट दिस इक्वेशन इंटू टू हाफ रिएक्शंस। तो एक हम लिखेंगे पहले इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ क्या बनेगा, वो होगा एफ ई टू पॉजिटिव गिव्स एफ ई थ्री पॉजिटिव, एंड व्हाट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनेगा सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव गिव्स सी आर थ्री पॉजिटिव, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के टाइम हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स देखें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू और राइट हैंड साइड पर है प्लस थ्री। अब हम इलेक्ट्रॉन्स किस साइड ऐड करेंगे, वी विल ऐड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड विल बी इक्वल टू द टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन टू पॉजिटिव से आयरन थ्री पॉजिटिव में जाते वक्त कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वी कैन सी इट इज वन। देयरफॉर हम क्या करेंगे, वी विल ऐड वन इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पर एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन एज माइनस वन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने दोनों साइड्स पर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, कहां पर ऐड करने हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे, उसके लिए हमें देखना है व्हाट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने देखा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स और ये प्लस सिक्स से डिक्रीज हो रहा है टू प्लस थ्री, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज थ्री। लेकिन चूंकि क्रोमियम के दो एटम्स हैं, सो व्हाट इज द टोटल चेंज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हम इस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर ऑफ एटम्स के साथ, टू के साथ। जैसे प्रीवियस मेथड में भी हमने पढ़ा था, इट बिकम्स सिक्स, सो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद हम दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। जैसे आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देख सकते हैं, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, तो आयरन के अलावा और कोई एटम्स इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ टेकिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हम कैसे बैलेंस करना शुरू करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रोमियम एटम्स, बिकॉज ऑक्सीजन एटम्स आर टू बी बैलेंस्ड इन द एंड। तो क्रोमियम को कैसे बैलेंस करेंगे? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर टू क्रोमियम एटम्स, तो राइट हैंड साइड पर भी बैलेंस कर लेंगे। वी विल ऑल्सो टेक टू एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा है ऑक्सीजन एटम। नाउ जैसा हमने देखा, दिस रिएक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन एटम्स को कैसे बैलेंस करते हैं? हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर कम थे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयंस। नाउ वी कैन सी दैट देयर आर 14 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी विल ऐड 14 H positive ions on the left hand side. In this way, number of oxygen and number of hydrogen atoms are also balanced. अब ये दोनों redox, ये जो दोनों half reactions हैं, ये balanced हैं। अब हमने इन में number of electrons को equate करना है। कैसे equate करेंगे? We can see that there is one electron in the oxidation half and there are 6 electrons in the reduction half. तो दोनों को कैसे balance करेंगे? We will multiply the oxidation half reaction on both sides by 6. उससे number of electrons equate हो जाएंगे। अब oxidation half को both sides पर 6 से multiply करने पर क्या बना? We get 6 times Fe2 positive on the left hand side, or right hand side par 6 times Fe3 positive plus 6 times electron. Ye ban gaya hamara oxidation half reaction. Reduction half reaction ko humne kisi cheez ke sath multiply nahi kiya, usme number of electrons 6 the, to usko hum aise rakhenge. So reduction half reaction is Cr2O7 2 negative plus 14 H positive plus 6 electrons gives 2 times Cr3 positive plus 7 times H2O. अब ये दो half reactions हैं in the balanced form. अब हम इन दोनों को add करेंगे. Addition के दौरान हम क्या करेंगे? जो left और right hand side पर जो चीज़ common होगी उसको हम cancel out कर लेंगे. जैसे 6 electrons common है लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर, कैंसल्ड आउट, तो बाकी चीज़ों को हम ऐड करेंगे. ऐड करने पर हमें मिलेगा 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स H पॉजिटिव, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cr3 positive plus 7 times H2O. So this is the balanced redox equation. Now next we will take a redox reaction taking place in basic medium. इसमें आप देख सकते हैं, इसमें phosphorus OH negative ions के साथ react कर रहा है to form phosphine and hypophosphite ion. इनके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं. इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वी विल सी दैट फास्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड फास्फोरस इज आल्सो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज ए disproportionation reaction because the same element is undergoing both oxidation and reduction. अब हम क्या करेंगे? अब हम इस equation को split करेंगे into two half reactions.
ऑक्सीडेशन हाफ बन गया, पी फोर गिव्स एच टू पी ओ टू नेगेटिव, और रिडक्शन हाफ क्या मिला हमें, रिडक्शन हाफ है पी फोर गिव्स पी एच थ्री। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने लिखना है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो यू कैन सी दैट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ वन, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ फोर, सो वी विल गेट द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ फोर। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू एड फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जितना टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप देखें कि रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जीरो से माइनस थ्री दैट मीन्स थ्री। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ एटम्स फोर के साथ, वी विल गेट ट्वेल्व। सो ट्वेल्व इज द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे। अब ऐसा करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली बैलेंस करना शुरू कर देंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, पहले P4 में चार फास्फोरस हैं तो हम राइट हैंड साइड पर फास्फोरस बैलेंस कर लेंगे, वी विल टेक फोर टाइम्स H2PO2 नेगेटिव। उसके बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं। नाउ सिंस दिस इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड कितना नेगेटिव चार्ज है, इन दो चीज़ों को आप देखकर, रिमेंबर वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, फोर नेगेटिव यहाँ पे है और फोर नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये बन गया एट नेगेटिव। सो वी हैव टू एड एट ओ एच नेगेटिव आइंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हमने नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर लिया। नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के बाद हम बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब कैसे ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। उससे पहले आप देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आठ ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पर भी आठ ही ऑक्सीजन है, देयरफॉर ऑक्सीजन के एटम्स पहले से ही बैलेंस्ड हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हम फास्फोरस एटम्स बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर चार एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पर हमने फोर टाइम्स कर दिया फास्फोरस के बाद। अब हाइड्रोजन की टर्न है, तो उससे पहले हमने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 12 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम राइट हैंड साइड पर 12 ओ एच नेगेटिव आइंस ऐड कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के बाद नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, किस साइड पे करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड करने हैं, वी हैव टू ऐड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पर 12 ऑक्सीजन थे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एंड वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। अब ये दोनों हाफ रिएक्शंस हमने बैलेंस कर ली है। अब हमने इनको, इन दोनों को ऐड करने से पहले इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वेट करना है। सो वी कैन सी दैट हेयर देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड वन देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम बोथ साइड्स पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमने अनचेंज रखा, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे टू गेट द फाइनल रिडॉक्स इक्वेशन। तो ऐड करने के बाद हमें जो रिडॉक्स इक्वेशन मिली, इट इज़ लाइक दिस। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल किया, ओ एस नेगेटिव थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इस तरह से इक्वेशन मिल गई। इसमें जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वो है ये इक्वेशन।